के अनूपगढ़ घड़साना में गांव चक 5 के पास एक हादसा हो गया, जिसमें रविवार रात ट्रेलर और मोहनगढ़ जैसलमेर जा रही स्लीपर बस में हुई भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बस में सवार थे। हादसे में दोनों वाहनों के बीच फंसने से ट्रेलर चालक की भी मौत हो गई। देर रात करीब 12 बजे तक राहत कार्य जारी रहा। मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई थी, ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। हादसे का कारण ट्रेलर का ओवरटेक करना बताया गया है। तो श्रीगंगानगर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में दोनों वाहनों के बीच फंसने से ट्रेलर चालक की भी मौत हो गई। डीपी वही मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता डीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी शर्मा जी, ये पूरा मामला जो हुआ है, देर रात घटनाक्रम हुआ है और इसमें मृतकों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। कितने मृतक यहाँ पर बताए गए हैं, क्योंकि संख्या अनुमानित बताई जा रही थी? ये दीदी बात की जाए बीती रात को, तो बीती रात को एक ट्रेलर और बस जो ये प्राइवेट निजी बस थी उसके अंदर जबरदस्त भिड़ंत हुई। भिड़ंत के दौरान दोनों के अंदर आग लग गई और इसी ये जो बस है अनूपगढ़ से रामगढ़ को जा रही थी रात के 7:30-8 बजे की घटना। सामने से ये ट्रक आ रहा था, ट्रक में जो ओवरटेकिंग करने के तुरंत एक्सीडेंट भिड़ गया, एक्सीडेंट हो गया भिड़ंत के अंदर बस के अंदर और ट्रक में आग लग गई। बस में बैठी करीब 30-40 सवारियां बैठी थी, जिसके अंदर से 20 से लोग तो निकल के रात को भागे। लोगों ने गांव वालों ने और काफी मशक्कत करके निकाला और 7 सवारी जो है वो दल करके राख हो गई। जी जी डीपी शर्मा, यहाँ पर अभी और मृतकों की संख्या में क्या इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि अनुमानित बताया गया था? कितने लोगों को बचा लिया गया? राहत कार्य अभी भी जारी है या क्या अपडेट है अभी? आज जी रात का राहत कार्य तो रात से ही जारी था। अब ट्रक और बस को थोड़ा अलग अलग किया गया है। बस और ट्रक जो एक दूसरे के ऊपर जो चढ़ गए थे, रात को पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करके ग्रामीणों ने मंडी के जो लोगों ने इकट्ठे होकर के और वहां पर जो सवारियां थी बस से उनको निकाला गया। ट्रक चालक वो भी वहां मौके पर वो मौत हो गई और जो बस के अंदर बैठी थी सवारियां वो 7 सवारी थी उसके अंदर दल करके राख हो गई, जिसमें 25 सवारी जो है वो घायल थी। घायलों को जो आसपास के अस्पतालों में भर्ती कर गए और वो अभी उपचाराधीन है और प्रशासन अभी भी कार्रवाई जारी कर रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो श्रीगंगानगर में बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत बताई जा रही है।